वेल हेलो यूट्यूबर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ रूट्स के हॉर्न। मैंने ये हॉर्न लिए हैं समवेयर अराउंड 600 रुपीज़ के, एंड ट्रस्ट मी इसकी जो आवाज़ है ना, इट इज़ जस्ट लाइक वॉक्सवैगन पोलो। अगर आपको पोलो, वॉक्सवैगन, BMW ऐसे जो हॉर्न्स है, अगर आपके इनकी साउंड पसंद है डीप डाउन बेसी, तो आपको ये हॉर्न बहुत पसंद आने वाला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसे अपनी शेरा पे इंस्टॉल करवाने। एंड जस्ट टू टेल यू दी स्पेसिफिकेशन, दीज आर दी रूट विंटोन 75। MRP इसकी 700 आपको यहाँ पे दिखेगी, लेकिन मेरे को 600 के पड़ गए थे। 12 वोल्ट के ये जो हॉर्न है, एंड सबसे अच्छी बात है कि इट इज़ मेड इन इंडिया। तो डिनाली भी ले सकता था मैं और भी अदर ब्रांड्स से, बट आई थॉट कि लेट्स गो विद मेड इन इंडिया। आप लोग भी लेना अगर आप चाहते हो लेना। आपने दो टाइप के हॉर्न देखे होंगे, एक तो होते हैं फ्लैट सिंपल गोल, और एक होते हैं ऐसे ट्रम्पेट शॉर्ट ऑफ। तो ये इसी तरह का है ट्रम्पेट। ये देखो यहाँ पे आपको मार्किंग मिल जाएगी रूट्स की, ठीक है। इसके अंदर भी दो मेल और फीमेल हॉर्न्स होते हैं, तो आप अगर दोनों लगाओगे तो ही आपको साउंड आ पाएगी, ठीक है। तो ये रहे वो दोनों हॉर्न। प्लस मेरे पास एक और चीज़ है, ये मैंने एक केबल ली थी बेनेली के अंदर। एक्चुअली एक ही हॉर्न लगता है, तो इट इज़ नथिंग बट जस्ट एक हॉर्न को दो में डिवाइड करने के लिए जो वायर होती है, इट इज़ जस्ट दैट। तो अभी हम लोग जाएंगे करण मोटर मार्ट और वहाँ पर जाके इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। सो लेट्स गो विद मी। ऑलराइट गाइस, लेट्स रॉक एंड रोल। तो अभी जो मेरा हॉर्न है ना, वो कुछ इस तरीके से साउंड करता है, जस्ट लाइक स्प्लेंडर। अगर स्प्लेंडर का जो हॉर्न आता ना, एकदम वैसे ही इन्होंने दिया है। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप कोई भी सुपर बाइक देखोगे ना, तो ऐसा ही हॉर्न मिलता है। एंड ये जो हॉर्न होता है ना, ये हाईवे के लिए सही नहीं होता, बिकॉज यू आर राइडिंग, यू आर क्रूजिंग एट 130 एंड 140, एंड ये आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचती है। तो इसलिए एक लाउड हॉर्न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये हॉर्न लिया है। प्लस अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये हॉर्न लेने की सोच रहे हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि इस हॉर्न को एकदम से आप किसी टू व्हीलर के पास आके मत बजाना, वो डेफिनेटली डर जाएगा, बहुत लाउड हॉर्न है। एंड जितना हो सके उतना कम यूज़ करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है नॉइस पोल्यूशन बढ़ाने में, ठीक है गाइस। तो ये लो जी, अपन फिर आ गए करण मोटो मार्ट। पिछली बार अपन आए थे जब हॉर्न वाला काम नहीं हुआ था, क्योंकि दिवाली का रश था, तो इसलिए आज अपन आए हैं एक हफ्ते बाद। लेट्स होप काम हो जाए। A few moments later. और राइट, तो हॉर्न जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। इंस्टॉलेशन आपको बाद में दिखाऊंगा, और अपन ने फटाफट ही अपने ब्रांडिंग भी करवा दी है फ्रंट में। सो लेट्स गो, अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 300 फॉर फिटिंग एंड ऑल। रिले लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैटरी है बेनेली TRK की, वो 12 वोल्ट की है, और हॉर्न्स हैं 24 वोल्ट के, 12 वोल्ट ईच, तो 24 की पावर चाहिए होती है, तो वो आपको रिले से ही मिलेगी। इसलिए रिले लगाना मत भूलना, अगर बिना रिले के लगा दोगे तो बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे अपन ने YouTube का साइन लगवा लिया है, और अपने Instagram की ID भी लगवा ली है। तो अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करो, और अगर मुझे Instagram पे फॉलो नहीं करते तो Instagram पे फॉलो करो। अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका हॉर्न, ठीक है। 1 2 3 डैम, इट इज़ डैम लाउड यार। भाई साहब का तो ऐसा लग रहा है कार आ रही है। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि प्लीज़ किसी भी टू व्हीलर के पास आके एकदम से उसको डरा मत देना, अगर आप ये हॉर्न ले रहे हो। एंड जितना हो सके दूर से ये हॉर्न ब्लो करना। अपना इंटेंशन ये है कि आगे वाले को पता लग जाए कि अपन आ रहे हैं, इंटेंशन ये नहीं है कि उसको अपन को डराना है या उसके कान फाड़ने हैं। यूज़ इट एज मिनिमम एज यू कैन। सो अब अपन चल रहे हैं ये अंडर पास में, एंड यहाँ पे सुनते हैं इसकी आवाज़। डैम इट वॉज लाउड यार। और हम आ गए एक बार फिर हेलमेट पॉइंट पे, जहाँ से मैंने हॉर्न लिया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फिटिंग कहाँ हुई है। मैंने इसे जस्ट यहाँ पे लगवाया है, लेफ्ट साइड का यहाँ पे लगाया, क्योंकि आगे जगह नहीं थी, तो आगे से यहाँ पे जो पहले रूट्स लगे थे यहाँ से हटा दिया था मैंने, ठीक है। और राइट साइड वाला लगाया जस्ट यहाँ पे, तो बहुत लाउड है जैसे कि आप लोगों ने देखा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब चलते हैं वापस किसी और नई चीज़ को लेने। I will see you in the next one. Till then, goodbye, take care, bye-bye.